हेलो गाइस, टेक्नोफार्म में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI इंस्टामाइंड सेविंग अकाउंट के बारे में, इनके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस और चार्जेस के बारे में, कितना आपको मंथली डिपॉजिट करना है ब्रांच में, कितना आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसमें करना है, इसकी डेबिट कार्ड की फीस क्या है, कि डेबिट कार्ड से आप मंथली ATM से कितना विदड्रॉ कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक ICICI इंस्टामाइंड सेविंग अकाउंट लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक मुझसे कोई भी सलाह लेता था कि एक प्राइवेट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है तो किस बैंक में खुलवाए। मैं सबको यही सलाह देता था कि आप कोटक 811 की तरफ चले जाइए। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए और एक जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए प्राइवेट में, तो आप जो है कोटक 811 की तरफ चले जाइए। लेकिन जब से ICICI का इंस्टामाइंड सेविंग अकाउंट लॉन्च हुआ है, तब से मुझे इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट समझ ही में नहीं आ रहा। अगर आपको जीरो बैलेंस में खुलवाना, तो आप आंख बंद करके ICICI इंस्टामाइंड सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी हम आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, तो आप खुद सोचेंगे कि लॉक खुलवा लें, क्योंकि ICICI कोई छोटी मोटी बैंक तो है नहीं, ये एक टॉप लेवल की बैंक है। और इसमें जो सर्विस आपको मिल रही है, जीरो बैलेंस में आपको सर्विस जो मिलेगी, वो समझ लिया आपको एक 10,000 वाले वेरिएंट में आपको मिलेगी। तो इसलिए अगर आपकी भी एज 18 से 35 के बीच में, तो आप आंख बंद करके इस अकाउंट को ओपन करवाइए। इसमें आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो अगर हम इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट्स यही है कि एक ICICI जैसी बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का मौका मिल रहा है। आपको 10,000 वाले वेरिएंट की इसमें सर्विस मिलेगी, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो यहां पर आपको यही देखकर ही खोल लेना चाहिए इस अकाउंट को। दूसरी चीज, इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको इस अकाउंट में मतलब दो वेरिएंट के डेबिट कार्ड मिल जाते हैं। एक होता है माइंड रेगुलर डेबिट कार्ड, दूसरा होता है माइंड प्लस डेबिट कार्ड। तो अब आपको दोनों में से चूज कर लेना है कौन सा आपको जो है अप्लाई करना है। हालांकि जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो आपके पास जो आता है माइंड रेगुलर डेबिट कार्ड आता है, जिसकी फीस है 150, मतलब 150 रुपए फीस है। उसमें GST लगा के 177 रुपए आपके पड़ जाएगी। जो आपका नॉर्मली डेबिट कार्ड है, उसकी ईयरली फीस होगी 177 रुपए। तो यहाँ पर कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम कोटक की बात करें, तो वहां पर आपकी 234 रुपए आपकी सालाना फीस जाती थी कोटक 811 का डेबिट कार्ड पर। दूसरे डेबिट कार्ड की अगर हम बात कर लें, तो उसकी फीस है 599 रुपए उसकी फीस लगेगी। उस डेबिट कार्ड का जैसे नाम क्या है कि माइंड प्लस डेबिट कार्ड। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ ये बेनिफिट्स मिल जाता है कि वो माई इमेज डेबिट कार्ड है। आप अपनी मन चाही उसमें इमेज लगवा सकते हैं उस डेबिट कार्ड में। उसके साथ साथ जो इनके सेलेक्टेड कुछ मर्चेंट है, पार्टनर है, जहां पर आपको 1% का कैशबैक भी मिलेगा। इसलिए आपको माइंड प्लस डेबिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं, उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह नहीं। सिर्फ 1% का सेलेक्टेड मर्चेंट पे आपको कैशबैक मिलेगा, कोई ऐसा नहीं कि हर ट्रांजेक्शन पर मिलेगा। माइंड प्लस तो आपके ऑप्शनल है, अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपका वो आएगा, उसकी फीस 599 है। तो यहाँ पर इस तरह से दो वेरिएंट के डेबिट कार्ड है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आपको अप्लाई करना है। अब हम इनके डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर ले, तो अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में, तो एक महीने में आप 5 बार जो है विड्रॉ कर सकते हैं अपने ATM से। अगर आप मेट्रो सिटी में, तो महीने में आपको 3 बार चांस मिल जाता है कि आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं ATM से। और काफी लोगों के वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि अगर इस अकाउंट का डेबिट कार्ड, मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना हो, तो क्या इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट जब ओपन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पर वो आ जाता है। आपको इसमें कोई अप्लाई वगैरह या रिक्वेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है फिजिकल डेबिट कार्ड। आपके 7 से 15 दिन में आपके एड्रेस पे वो भेज दिया जाता है। तो इसको आप जो है कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई ज्यादा फीस नहीं है। 177 रुपए आपकी सालाना फीस है, तो अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा फीस नहीं है। और उसके साथ साथ जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, वो आपकी मोबाइल बैंकिंग में शो करेगा। काफी लोग इसको लेकर कंफ्यूज है, उन्होंने अकाउंट ओपन किया और ICICI की जो मोबाइल बैंकिंग है, उसमें उनको कार्ड शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट करिए, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता है। 1 से 2 दिन लग जाते हैं आपका जो है जो भी प्रोफाइल वगैरह होती है वो अपडेट होने में। जब तक कि जो है सिस्टम में अपडेट नहीं होगी, जब तक कि जो है आपका कार्ड शो नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है फुल KYC करवा लेंगे तभी आपको कार्ड शो करेगा। आप 2 दिन वेट करिए, उसके बाद चाहे आप फुल KYC करवाएं या ना करवाएं, आपका डेबिट कार्ड आपकी मोबाइल बैंकिंग में शो करेगा। मेरा 2 दिन के बाद से शो करना शुरू हुआ था, पहले जो है शो नहीं कर रहा था डेबिट कार्ड, तो इसलिए आप वेट कर लिएगा। उसके बाद काफी लोग ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि जो है अगर हम फुल KYC नहीं करवाते, तो इसमें कितना जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं, तो आप फुल KYC जरूर करवा लीजिएगा। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन जो है वीडियो KYC करवा सकते हैं, उसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए ले आएंगे। तो इसलिए आप जो है ये गलती मत करिएगा। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आप फुल KYC करवा लीजिएगा, उसके कोई चार्जेस वगैरह तो लगते नहीं है। तो आप फुल KYC करवा लेंगे, तो उसमें आपका अनलिमिट हो जाएगा, कोई लिमिट ही नहीं, जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन करिए। इस अकाउंट में जो है आपको ऑनलाइन अनलिमिट ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है, अगर आप जो है फुल KYC करवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे बड़े बेनिफिट्स की बात कर लें, जो कि आपको एक ICICI जैसी बैंक में आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा है। यहाँ पर जो ब्रांच में जाके मंथली डिपॉजिट करने की लिमिट है, वो है 2 लाख रुपए मंथली। आपको 4 टाइम मिलेगा, मतलब एक महीने में आप 4 बार ब्रांच में जाके
₹2,00,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपकी ₹2,00,000 डिपॉजिट है, आप 4 बार में जाकर उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब 1 महीने में 4 बार आपको मौके मिलेंगे। फिर चाहे वो आप 50,000 जाके करें, चाहे वो आप 2 लाख 1 बार में जाके करें। उसके बाद हम बात कर लें चेक से कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो चेक से आप अनलिमिट इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप जितना मन चाहे उतना डिपॉजिट करें। उसके बाद इस अकाउंट के डेबिट कार्ड की डेली स्पेंड लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर आपको डेली स्पेंड लिमिट आपको 2 लाख मिल जाती है, आप डेली स्पेंड कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर फीचर्स देखे जाए तो जैसे कि आपका जो ICICI का इंस्टा रेगुलर अकाउंट है आपका 10,000 वाला, सारे फीचर्स उसी की तरह है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका रख दिया गया है ICICI इंस्टा माइंड अकाउंट, और ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको इसमें एक ये बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि मतलब आपको ICICI जैसी बैंक में एक इतना अच्छा अकाउंट खुलने का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप 18 से 35 साल की एज के हैं तो आप इसको जरूर खुलवाइएगा। और उसके साथ साथ अगर आप जो है अकाउंट खुलवाने के बाद अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं तो आपको काफी अच्छे इसमें ऑफर्स भी मिलेंगे, लोन्स के या क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव काफी इसके ऑफर आपको मिलेंगे। दोस्तों ये थे कुछ ICICI इंस्टा माइंड सेविंग अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स और इनके ट्रांजेक्शन लिमिट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।